बहुत ही दमदार टीम और बड़े मुकाबले होंगे सर आज। एक तरफ दे साहब, एक तरफ आप, रेड चेरी और ममाज बॉयज, चारों मुकाबले ऐसे देखने को मिलेंगे कि दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट होने वाला है आज एएमपीएल में। लोअर फुल टॉस गेंद, हल्के हाथ से शॉर्ट कवर पर खेला ये गया स्ट्रोक। पहली गेंद डॉट जरूर थी, अगली गेंद पर एक रन जरूर प्राप्त किया है यहां पर बल्लेबाज ने। शुरुआत करते हुए अपने बल्ले से एक रन के साथ शुरुआत यहां पर हरीश की, हर्षित हर्षित मेहता मोहिते। खनकवाल, गौरव 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 केनी साहब, थैंक यू। महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम पवन केनी, उन्हीं से मिलता जुलता गौरव केनी, शायद एक ही गांव के हैं। देखिए प्रसाद अपना रन अप ले चुके थे लेकिन बल्लेबाज लविश तैयार नहीं थे। और ये लविश की धुआंधार दमदार गेंद और बड़ी विकेट का पतन यहां पर डीजे। क्या जोरदार बजाए है, बड़ी सफलता यहां पर गेंदबाज प्रसाद को मिली है। लविश को पहली गेंद पर रास्ता दिखा दिया है, पवेलियन का बड़ा झटका मार्चिंग एंजल्स को यहां पर लगता हुआ। बैट्समैन नेम जयम, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, हल्के हाथ से पॉइंट पर खेला ये स्ट्रोक, केवल एक रन। कारपेट स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री की तरफ आती हुई है गेंद और सीमा रेखा के बाहर, चौका। थैंक यू डीजे। क्या जबरदस्त स्ट्रोक, गैप में खेला गया ये स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर रोकने का प्रयास जरूर किया था, असफल रहे। देखिए 8 प्लेयर्स के साथ एसएम टाइगर मैदान में उतरी है, यहां पर तारीफ करूंगा मैं इनके जज्बे की, इनके हौसले की। पहली ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
अब आने वाला अगला गेंदबाज सर इसके बाद ही है ना मैच आप टॉप हो ग्रुप पे सात सेवन रन मयूर है ना गेंदबाज ये अच्छी गेंद पैरों पर टकराई थी गेंद लेग बिफोर द विकेट की अपील लेकिन यहां पर अंपायर ने अपील को नकारा बिकॉज आज थर्सडे है और शटर बंद है अच्छी गेंदबाजी यहां पर पहली ही गेंद ये जबरदस्त गेंद बैक टू बैक टू डॉट बॉल्स एस एम टाइगर्स यहां पर आज इतिहास रचने का प्रयास जरूर करेगी आठ प्लेयरों के साथ पहले तो मैदान में उतरना यही एक बहुत बड़े जज्बे की बात और खेल के प्रति जुनून की बात बैक टू बैक तीन डॉट बॉल आरजे सात रन अभी भी केवल स्कोर कार्ड पर एक विकेट के नुकसान पर तीन गेंदे बिंदी क्या जबरदस्त गेंदबाजी है मयूर ये फुल टॉस बॉल हल्के हाथ से डिफेंस किया यहां पर एक रन ले लिया है दूसरे रन की कोशिश यहां पर और सफलता मिली है दो रन से स्कोर बढ़ता हुआ नौ रन हेलो हेलो सुल्तान भाई ये एक बड़ा हिट है और गेंद सी मारेगा के बाहर छह रनों के लिए थैंक यू डीजे अच्छा शॉट यहां पर बल्लेबाज के माध्यम से देखने को मिलता हुआ हेलो बेस कम रखना खाली गेंद खोल दो इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास और गैप में गेंद सीमा रेखा के बाहर चार 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 रनों के लिए चौका डीजे थैंक यू शुरुआत की तीन गेंदों डॉट होने के बाद भी बल्लेबाज ने अपनी हिम्मत बांधे रखी थी और पिछली तीन गेंदों पर फिर प्रहार किया एक छक्का एक चौका लगने के बाद स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19 रन दो ओवर की समाप्ति 19 रन आठ खिलाड़ी के साथ एसएम टाइगर इस वक्त मैदान में और ये पावर प्ले
बहुत ही अच्छी गेंद, पहली गेंद अनप्लेवेबल डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, काफी रूम बनाकर गेंद को फेंका, ये और जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद। उठाकर खेला ये गेंद, पीछे कोई फील्डर नहीं है, गेंद यकीनन निकल जाएगी सीमा रेखा के करीब, वहां पर क्या खूबसूरत तरीके से फील्डिंग का मुजाहिरा। 999 की जर्सी, मानो 999 जिस तरह से होलसेल में कोई टी शर्ट बेच रहा हो 999 एमआरपी पर। क्रिस गेल का भी नंबर है 999 शायद। ट्रिपल फाइव, फाइव फाइव फाइव, ट्रिपल तिया है भाई, वो ना पांच है ना नौ है, वो तीन है। बहुत ही उम्दा गेंद, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद जाती थर्ड मैन बाउंड्री रेखा के बाहर। चौका डीजे, चौके की माध्यम से स्कोर जरूर बढ़ेगा, यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। भाई गेंदबाज अपनी गेंदबाजी मार्क से पवेलियन एंड से लोअर फुल टॉस उठाया है ऑन द राइस, बिल्कुल गेंद सीमा रेखा के बाहर, बिग 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 शॉटकार। थैंक यू, क्या जबरदस्त मधुर संगीत ढोल के माध्यम से। एक और फुल टॉस गेंद, इस बार फिर से गैप में गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, चा 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 रनों के लिए चौका। हर चौके पे देव ठाकुर के चेहरे पे 151 रुपए की मुस्कान। कहां है देव ठाकुर साहब, नजर ही नहीं आ रहे। ये अच्छी गेंद, इस बार वापसी है गेंदबाज की, देखिए मैंने कहा मुस्कान, देखिए वहां पर मुस्कान का पैसा है सर खाली, और बिल्कुल इस पूरा श्रेय जाता है देव ठाकुर को, जिस तरह से अपनी टीम को मजबूत बनाया है और एक डोर के साथ, एक धागे के साथ सबको बांधा है, मानो जैसे वरमाला में अलग अलग तरह के फूल बंधे हुए होते हैं, उसी तरह से अपने इन 11 अनमोल रत्नों को एक डोर से बांध के रखने का काम करते हुए देव साहब, और इस वक्त इनकी टीम बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। 12 रन के रन रेट से बल्लेबाजी चलती हुई, केवल एक विकेट गवाई है अब भी मार्चिन एंजल ने, और अब तक एक से बढ़कर एक तारे सितारे बल्लेबाज इनके डगआउट पर बैठे हुए हैं, पैड अप करके इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा, कब हमारा नंबर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही एक आध का नंबर आए तो आए, वरना यही बल्लेबाज आज अंत तक खेल कर जाएंगे। सुबह से ही अपनी नजरें जमा कर विकेटों पर आए हैं, घर से ही माइंड को सेट कर नजरों को सेट कर आए हैं, और शुरुआत के पहले ही बॉल से बॉल भी फुटबॉल नजर आता हुआ और हर बॉल पर बड़ा प्रहार करते हुए। गेंदबाजी मार्ग पर अब गेंदबाज, ओनली मयूर मयूर। ये अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस लेकिन गैप में है, और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर। देखिए दो फील्डर शॉट, तीन फील्डर शॉट है इस वक्त, जिसका बहुत बड़ा खमियाजा ना भुगतने को पड़ रहा है एसएम टाइगर को, कि कहां छुपाएं कहां रगाएं, प्लेयर ऐसा हो गया है।
लेकिन हौसले की दाद, बिल्कुल हौसले की दाद देना चाहूंगा मैं इन लड़कों की, कि आठ ही सही, हम आठ भी 80 पे भारी है। वो मेंटेलिटी लेकर, वो जज्बा लेकर मैदान में उतरे हैं। देखना ये होगा कि देव ठाकुर की मार्जिन्स एंजल्स कितना स्कोर करती है और ये उस टारगेट का किस तरह से पीछा करती है। ये बड़ा हिट खेला गया और गेंद निकल गई है, सी मारेगा के बाहर, देकर जाएगी बिग 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 शटकार डीजे। थैंक यू। नेक्स्ट मैच होगा गोल्डन हॉर्सेस वर्सेस डीजी वर्क्स के बीच। सो कप्तान यहां पर उपस्थित हैं। जबरदस्त गेंदबाजी और खड़ाक, ठोको, थैंक यू डीजे। क्या जबरदस्त रन आउट यहां पर और बड़ी सफलता मिली है एसएम टाइगर को। देखिए आठ प्लेयर्स मैदान में हैं और उसके बावजूद रन आउट कराना, यह काबिले तारीफ। हेलो, स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। ये सीधा खेला गया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पर, दो रन की कोशिश, रन आउट का मौका है जी। अंपायर का इशारा नॉट आउट। चार ओवरों की समाप्ति, 49 रन।
किसका फोटो था निकाला मेरा स्टेटस देख रहा है अच्छा देख लिया बहुत ही अच्छी गेंद जड़ों में डाली थी ये गेंद एक रन जरूर यहां पर प्राप्त करेंगे बल्लेबाज इसी के चलते 50 रन पूरे बहुत ही उम्दा गेंद गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए डीजे का ब्राइटनेस बढ़ा स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 4.5 ओवर का खेल समाप्त ये आगे आकर खेला हवा में है गेंद और नीचे है फील्डर और बड़ा आसान सा कैच बजाओ जोरदार ठोक के टाले हेलो 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 डीजे साउंड कम हो गया भाई बैटरी डाउन हो गई इसकी तो बंद हो गई बैटरी हेलो इसकी बैटरी ले लो और इसका साउंड भी कम हो गया पूरा हेलो 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 थोड़ा सा और दो थोड़ा हेलो थोड़ा कम कर दो हेलो हाँ ट्रबल खोलो बेस कम कर दो हेलो 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 कम हो गया भाई हेलो 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 आवाज बहुत कम हो गई है
ये अच्छी गेंद, बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगता हुआ। फिर से खूबसूरत गेंद, फॉलो थ्रो में अपने ही हाथों से गेंद को रोकने का जरूर प्रयास किया था। गिरगोड, लेजर्ड, गिरगोड। हेलो हेलो, ये आगे आकर खेलने का प्रयास और गैप में है, गेंद निकल जाएगी, वन बाउंस ही मारेगा के बाहर, 4 रनों के लिए डीजे। रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड। छह ओवर का खेल समाप्त, यहां पर 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 12 गेंदे शेष हैं पारी की समाप्ति के लिए। और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू। आज सुबह का पहला मैच मार्चिन एंजल्स वर्सेस एसएम टाइगर के बीच खेला जा रहा है। इसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच गोल्डन हॉर्सेस वर्सेस डीजी वर्क्स के बीच खेला जाएगा और तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच आरसी लेजेंड्स वर्सेस एक फैक्टर के दरमियान, 14 क्वार्टर फाइनल मामाज बॉयज और आर्टिस्ट रूट टाइटंस के बीच। तो आज ये चारों मुकाबले आपके आंखों के सामने होंगे। ये अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर खेला इस बार, केवल 1 रन यहां पर। ये आगे आकर खेलने का प्रयास, लोअर फुल टॉस गेंद, बल्ले से संपर्क नहीं हो पाया, गेंद जाती विकेट कीपर के दस्तानों में। 67 रन्स स्कोर कार्ड पर। उठाया है, हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर और गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए डीजे।
थैंक यू डीजे। ये इस बार बड़ी सफलता रही है गेंदबाज के नाम, एक और विकेट का चपतन होता हुआ यहां पर डीजे। थैंक यू डीजे। इकहत्तर रन, 71 रन चार ओवर के नुकसान पर इस वक्त होता हुआ 6.5 ओवर का खेल समाप्त। आखिरी ओवर अभी भी आना बाकी है। इस ओवर की आखिरी गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद, साइड आर्म एक्शन जड़ों में डाली दिए, गेंद रनआउट का मौका है यहां पर और उंगलियां ऊपर। क्या एक्शन है और क्या थ्रो है, वह जबरदस्त विकेट यहां पर डीजे। ये एक और सफलता डीजे। थैंक यू। देखिए शुरुआत में जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी, रनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन लास्ट की दो ओवर्स के करीब आते आते विकेटों का पतन होने लगता हुआ और इस वक्त पांचवी विकेट गिर चुकी है, छह विकेट गिर चुकी है माचिस एंजल्स की। भाई बॉलर का नाम मार्चिंग एंजल्स, मैंने वही बोला। एक और मौका, नो मैन्स लैंड एरिया में गिरी है गेंद।
विकी उठाया है हवा में इस बार और नीचे फील्डर एक और सफलता। सो बैक टू बैक यहां पर विकेटों का पतन होता हुआ धोको थैंक यू। लेकिन यहां पर मार्चिंग एंजल्स के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है। देव ठाकुर ने बताया था कि हमारे पास 7 बल्लेबाज हैं और 5 ऑलराउंडर, यानी बैटिंग 11 के 11 करते हैं, तो किस किस से बचेंगे? इस बार और एक हवाई फायर लेकिन नो मैन्स लैंड एरिया में गिरी अगेन। केवल 1 रन स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदे शेष हैं। देखिए रनों की गति पे बहुत जोर से ब्रेक लगाया है यहां पर एसएम टाइगर ने, क्योंकि एक आध विकेट गिरने के बाद रनों की गति में बढ़ोतरी हो रही थी मार्चिंग एंजल्स के माध्यम से। लेकिन यहां पर एसएम टाइगर्स के गेंदबाजों की तारीफ। स्लोवर डिलीवरी, ये बड़ा हिट है, ये बड़ा हिट है, नहीं रोक पाएंगे इसे, गेंद निकल जाएगी, सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए डीजे। उनासी रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर। एक और बड़ा हिट और गेंद सीमा रेखा के बाहर। मैंने कहा कि किस किस से बचेंगे। गोल्डन हीरोज हॉर्सेस डीजी वर्क्स, गोल्डन हॉर्सेस और डीजी वर्क्स दोनों ही टीम के कप्तान कॉम बॉक्स में आ जाएं प्लीज टॉस के लिए। सर एएमपीएल के स्टेज पर आना है टॉस के लिए। मीत सर और मौजो सर,
चलो आगे लो भाई, अर्पण भाई, अर्पण भाई, सो डीजी वर्क्स और गोल्डन हॉर्सेस के बीच सेकेंड क्वार्टर फाइनल मैच, एक तरफ मीट सर तो दूसरी तरफ मोजो, दोनों ही टीमें चलिए यहां पर दोनों ही टीमें, ये बहुत बड़ा मुकाबला होगा इस वक्त, एक तरफ डीजी वर्क्स है तो दूसरी तरफ गोल्डन हॉर्सेस, दोनों ही टीमें अपना मैच कल खेल कर आज यहां पर ऑपोजिट ग्रुप से एक दूसरे के सामने हैं और बहुत बड़े मुकाबले की उम्मीद, एक तरफ अच्छे गेंदबाज हैं तो एक तरफ अच्छे बल्लेबाज हैं, एक तरफ अच्छी रणनीति है तो एक तरफ लेदर का एक्सपीरियंस है। अब पता नहीं आने वाले इस मैच में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का नया दिन है, नई ऊर्जा है, नई स्ट्रेटजी होगी, नए दिन की शुरुआत नए खेल के साथ। चलते हैं टॉस की जानिब, पहले टॉस करते हैं फिर देखते हैं किस टीम का क्या फैसला होगा। लेकिन आज चारों ही मैचें एक से बढ़कर एक है। मोजो सर देंगे कॉल, रेड चेरीज और आता हुआ रेड चेरी। सो मोजी सर आपने टॉस जीता है, क्या फैसला है सर आपका? बोलिंग गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजी की दावत आपने दी है, कहां तक रोकने का प्रयास करेंगे सर इनको? अच्छी बैटिंग स्ट्रेंथ है इनके पास, अच्छी स्ट्रैटर्जी है टीम, और कल बहुत अच्छे खेल के साथ ये लोग अपने ग्रुप में पोजिशन पर आए थे, टॉप पोजिशन के आसपास। सर हम ट्राई करेंगे अच्छा क्रिकेट खेलने का, बाकी जो होगा देख लेंगे। मौजो सर कुछ चेंजेस हैं आपकी टीम में, क्योंकि 14 प्लेयर्स की टीम है, कुछ सेम प्लेइंग 11 लेके उतरेंगे या एक आधा प्लेयर अप डाउन करने का इरादा है? सेम प्लेइंग है, साहिल के जगह पे नदीम आया है और विपुल के जगह पे केशव आया। ओके, और हमने सुना था का एक आध प्लेयर आपका कोई इंजर्ड हुआ है तो खराब इंजर्ड होकर चला गया घर। Okay, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं सर, यहाँ पर मौजूद है मीत सर। मीत सर अगर आज आप पहला, मेरे ख्याल से ये नहीं, सारे ही टॉस आपने हारे थे लेकिन मैच आपने सारे जीती थी, ये टॉस भी आप हारे हैं, तो अगर आपको अभी इस वक्त बैटिंग मिली है क्या, कितना स्कोर करने का प्रयास करेंगे सर? आज नया दिन है, नई शुरुआत है और पहले बैटिंग से शुरुआत होगी आज, और कल भी सारे जैसे टॉस हारा था, आज भी हारा हूं तो ऊपर वाला कॉल ले रहा है हमारी, तो इसलिए बैटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि 100% आज 100 से ऊपर मारेंगे। ओके मौजो सर, आज अभी विकेट में थोड़ा सा चेंजेस देखने मिला है, अलग विकेट है, कल विकेट अलग थी आज विकेट अलग है, थोड़े से क्रैक्स देखने को मिले हैं विकेट पे, तो क्या लगता है आपके गेंदबाजों को यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा गेंदबाजी करने में? जितना यहाँ पे क्रैक्स बढ़ेंगे उतना गेम बेटर रहेगा, क्योंकि टेनिस बॉल है बहुत बाउंस होती है, सीजन बॉल को फर्क पड़ता है, टेनिस बॉल को इतना फर्क नहीं पड़ेगा इस पिच से, बल्कि बेटर ही होगी जितना खराब होगा विकेट, क्योंकि बॉल उतनी बैट पे आएगी और उतनी कम बाउंस होगी। थैंक यू वेरी मच सर दोनों से हमको बात करने के लिए, और दोनों ही टीम के लिए हमारी गुड लक और गुड विशेस हैं कि अच्छे खेल का मुजाहरा पेश करें और इस इवेंट में जीत के साथ आगे के मैचेस के लिए जाएं। एक फोटो हो जाए आप दोनों सर का, चलते हैं मैच की जानिब। 11 नंबर की जर्सी गेंदबाजी मार्ग पवेलियन एंड से बड़ी अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद,
नो बॉल का इशारा, फ्रंट फुट नो, एम्पायर अनिफ पटेल ने इसे, सॉरी प्लेइंग फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का नो यहां पर कुछ, लेग साइड ऑफ साइड का पांच और छह का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल अंपायर का इशारा नो बॉल। क्या जबरदस्त अंपायरिंग है, वाह खूबसूरत अंपायरिंग। मैंने कहा था बास की नजर से शिकार बच सकता है, हिरन की दौड़ से शिकार छूट सकता है, लेकिन हमारे अंपायर हनीफ शेख से कोई भी फैसला छूट, अंपायर हनीफ पटेल, पटेल बंबई में पटेल बोले तो फुल फॉर्म में, ये अच्छी गेंद, ये एक खूबसूरत स्ट्रोक इस बार लॉन्ग ऑन पर जाती हुई अगेन, इस वक्त पांच रन स्कोर कार्ड पर, शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर है लेकिन एसएम के इन नौजवान खिलाड़ियों की प्रशंसा करनी होगी, तारीफ करनी होगी, एक जज्बे के साथ एक हौसले के साथ खेलते हुए आठ प्लेयर के साथ इतने बड़े टूर्नामेंट में उतरना कोई आसान बात नहीं है। सर वो जो नेट पर पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें, उनसे रिक्वेस्ट है वहां से हट जाए, अलाउड नहीं है सर, पर डे 3,000, पर घंटे का 3,000 रुपया चार्जेस है, आप पे करके खेल सकते हैं, सही है ना सर, खेलो ना 3,000। इस वक्त आठ रन स्कोर कार्ड पर, और ये बोल्ड
थैंक यू। अगला मैच जो खिलाया जाने वाला है वो है डीजी वर्क्स वर्सेस गोल्डन हॉर्सेस के बीच। सो डीजी वर्क्स ने टॉस बाबा 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 ब्लैक शेप और 6 रन फॉल, क्या बात है, छक्का ठोको ताले। एक बड़ा हिट आने के बाद स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 14 रन। ओल्ड बॉल जूनी बॉल, हाँ ये दे दे। अली जर्सी नंबर 786। आप देख रहे हैं AMPL सीजन 2 2022 का पहला क्वार्टर फाइनल मैच। टाइटल स्पॉन्सर JSK 247 बुक, और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं सभी स्पॉन्सर्स का मैं पूरे रेड चेरी मैनेजमेंट कमेटी ग्रुप्स की जानिब से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, इनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस भव्य टूर्नामेंट में अपना योगदान दिया, अपनी स्पॉन्सरशिप दी और बड़े दिल का मुजाहरा पेश किया। तो मैं सभी आयोजक का, सभी स्पॉन्सर्स का, टाइटल स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चलते हैं मैच की जानिब। 12 गेंदे समाप्त हो चुकी है 14 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अगला गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग से, ये अच्छी गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगता हुआ गेंद जाती थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। चौका डीजे। थैंक यू। ये इनसाइड आउट खेलने का प्रयास असफल नाकाम, गेंद जाती विकेट कीपर के दस्तानों में। आने वाले शुक्रवार को आपके नजदीकी सिनेमा घर में रिलीज होने वाली फिल्म देहाती डिस्को, इस फिल्म का आनंद जरूर लें, और आनंद लेते ही एक और आनंद की घड़ी यहां पर, एक बड़ी विकेट यहां पर मिलती हुई मार्चिंग एंजल्स को।
थैंक यू। और ये इनसाइड आउट और क्या कैच है, व्हाट अ कैच, फैबुलस कैच, द कैच ऑफ द टूर्नामेंट, द कैच ऑफ द डे। तो इस कैच की ऊर्जा से हमारे ढोलक बाज रोहित को भी ऊर्जा मिलती हुई और बड़ी विकेट यहां पर। इस मैच के बाद फौरन तैयार रहे, देखिए डीजी वर्क्स तो वार्म अप करके पूरी तरह से रेडी है। बहुत ही जबरदस्त गेंद, तेज तर्रार गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ डिलीवरी और गेंद जाते विकेट कीपर के हाथों में। ये रॉन्ग वन और गेंद सीधे फिर से सिमिलर डिलीवरी बैक टू बैक डॉट बॉल्स। ओवर की समाप्ति यहां पर, स्कोर वहीं रुकता हुआ 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तीस गेंदों में 68 रनों की जरूरत। यह हेलीकॉप्टर निकला है और फील्डर के हाथों से करीब लैंड होता हुआ, मिस टाइम स्ट्रोक, दो रन जरूर यहां पर मिलेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 20। रन, हेलो, ये पंच किया यहां पर गेंद को काउ कॉर्नर जोन पर, ये गेंद कोई रन नहीं। ओ क्या गेंद थी, ये मौका था पर मौके का फायदा नहीं हासिल कर पाए बल्लेबाज, अपने आप पर थोड़े से नाखुश जरूर होंगे।
इस बार कोई चांस नहीं है, नहीं रोक पाएंगे। गेंद निकल गई है, सीमा रेखा के बाहर देकर जाएगी। षटकार, डीजे ठोको। थैंक यू डीजे। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 26 रन। इस बार घुटना टेक कर तमाशा दिखाने का प्रयास। कोई रन नहीं यहां पर, स्कोर वहीं रुकता हुआ 26 रन। ये हेलीकॉप्टर निकाला यहां से, लेकिन वहीं क्रैश होता हुआ। ओवर की समाप्ति होती हुई, चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 24 गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता, प्रति ओवर 15 रन, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रति ओवर एक छक्का और एक चौका अगर लगता है तो मैच की इक्वेशन पूरी तरह से बदल सकती है। ये उठाकर खेला गया स्ट्रोक और आसान सा कैच, एक और सफलता यहां पर गेंदबाज के नाम डीजे। बैट्समैन नेम अली भाई, ये बाहरी किनारा इस बार बल्ले का, शॉट थर्ड मैन पर गेंद जाती हुई। नहीं मालूम नाम भाई, जरा हाँ डाल दे, वही जर्सी जब बनकर जो लिखा है वो डाल दे। ये फिर से एक और अच्छी गेंद यहां पर गेंदबाज की।
और इस चार के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। याल के हाथ से खेला गया स्ट्रोक, शॉट थर्ड मैन पर जाते हुए गेंद, ओवर की समाप्ति होती हुई, 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, लेग बाई का इशारा अंपायर का। उठाकर खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। डीजे ये अपर कट एक जबरदस्त है ये, और गेंद है सीमा रेखा के बाहर। चार रनों के लिए, चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 44 रन। ये फील्डर के हाथों में गेंद, और ये सफलता गेंदबाज के नाम। एक लाख दो लाख
भाई इधर तो आओ यार। हमारे लिए कुर्सी रखी है यार, बैग वैग रखो आराम से। हेलो हेलो हेलो, यश महावीर बैटिंग कर रहा है 12 में 41 चाहिए बेटा। हां यश महावीर बैटिंग कर रहा है, नाम नहीं पता कि जर्सी नंबर से डाला है इसलिए बोल बैट्समैन को हो जाए। चलो 12 गेंदों में बारह गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता। यश महावीर बीस दशमलव 5 रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट है इस वक्त एसएम टाइगर को। अब आने वाला अगला गेंदबाज राहुल सिंह। राहुल सिंह कम्स इन टू द अटैक फ्रॉम ओवर द विकेट। तो कुछ चेंजेस यहां पर जरूर किए गए हैं। विजयन है गेंदबाजी मार्ग पर। विजेंद्र मिश्रा ये एक रन। छियालीस रन। ये
जबरदस्त स्ट्रोक और बिल्कुल सीधा गेंद आ गया ये स्ट्रोक, क्या रोक पाएंगे? नहीं रोक पाए, गेंद निकल गई है, सीवानेका के बाहर, देकर जाएगी 4 रन। डीजे और ये बड़ी सफलता यहां पर गेंदबाज को मिलती हुई। एक और चौका यहां पर जरूर मिलेगा बल्लेबाज को। छह गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। बहुत अच्छा, एक बार
चल रहा है, इसका चल रहा है सर, आपका ये छक्का जरा कैसा लग रहा है? ले ले, ठीक है ले सर, ले जाना, हां ले ले, इसका चल रहा है उसका ही, बाकी उस छक्का होते रहेगा ऐसा, दो तीन प्लेयर्स से उनके उनके ही डगआउट में उनकी बैटिंग चल रही है तो उनके बैटिंग वाले। भाई साउंड छोड़ना खाली, हेलो हेलो, उधर देखिए उधर, अरे यार मैं ना नीचे रखा हुआ, मैं पूरा सामान निकालना पड़ेगा, हेलो। नेक्स्ट मैच होगा डीजी वर्क्स गोल्डन हॉर्सेस के बीच, डीजी वर्क्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और दावत दी है बल्लेबाजी की गोल्डन हॉर्सेस को, एक तगड़ा मुकाबला। आखिरी गेंद इस ओवर की, ये बिल्कुल सीधा खेला गया स्ट्रोक और ये पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम एएमपीएल सीजन 2 में प्रवेश करती हुई देव ठाकुर की मार्चिंग एंजल।